गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज शेफाली त्यागी हियर एंड दिस इज़ द वीडियो फॉर सिक्स क्लास। आपकी वर्कशीट चल रही थी 2 चैप्टर नंबर 1 की, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू टेबल एंड फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन ईच नंबर। आपको क्या करना है, आपको जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको इनको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, और न्यूमरल फॉर्म में लिखने के बाद जहाँ पे भी 6 आया होगा उस 6 की आपको क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए जैसे लिखा हुआ है, ए पार्ट देख लीजिए, बी पार्ट आपको खुद करना है। ए पार्ट देख लीजिए, जैसे बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना। देखिए प्लेस वैल्यू टेबल का मतलब क्या है भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है, लैक लैक है तो मतलब कौन से वाला नंबर सिस्टम होगा, इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम होगा तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक और टेन लैक, इस तरीके से लिखते हैं ना। क्या लिखा हुआ है पहले ये देखिए, 29 लैक तो हम 29 लैक के नीचे लिख देंगे। 70,000, 70,000 मीन 70,000। 618, 600, 100 के नीचे 6 और 18, इस तरीके से हमने क्या कर दिया इसको, इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से लिख दिया। फिर कॉमास लगा देंगे 3 डिजिट छोड़ के और 2 डिजिट छोड़ के। ठीक है, ये हमने अभी किए हैं, पीछे बहुत क्वेश्चंस में हमने किया है कि हम किस तरीके से न्यूमरल फॉर्म में हम लिखते हैं चीज़ों को। फिर इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है कि इसकी ना जहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो अब 6 की प्लेस वैल्यू देखिए, 6 कहाँ पे है, 100, 100 प्लेस पे है ना, तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, इस गलती हो जाएगा 600। तो ए पार्ट मैंने आपके लिए कर दिया, बी पार्ट आपको करना है खुद। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो हमने किया था 3 शॉर्ट में, हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। 5 क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैसा ही है, मैंने आपके लिए किया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आपको कोई नंबर दिया हुआ है 3 किलोग्राम, है ना, 563 ग्राम, 408 मिलीग्राम। आपको इस पूरे को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में। ठीक है, राइट द आंसर इन वर्ड्स इन एन, जो भी आपका आंसर आएगा इनको पूरे को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के बाद जो भी आपका नंबर आंसर आएगा उसको आपको एक तो इंडियन नंबर इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखना है, जैसे हमने लिखा था पिछले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहले 3 किलोग्राम को मिलीग्राम में हम चेंज करेंगे तो हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 लाख के, है ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में 10 लाख क्या होते हैं, मिलीग्राम्स होते हैं, है ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 1 लाख। ठीक है, तो 3 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, 30 लाख होंगे, ऑब्वियसली बात है। फिर 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000, तो 563 ग्राम में कितने होंगे, 563,000 मिलीग्राम। ठीक है, और ये वाला नंबर आपको मिलीग्राम में दिया ही हुआ है 408, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 30 लाख को और 563,000 को और 408 को, इनको सबको जो ऐड करने के बाद हमारा नंबर आएगा ये। ठीक है, ये आ गया हमारा, इतना क्या है, ये मिलीग्राम, किस में है, ये मिलीग्राम में, हमने इस नंबर को हमने मिलीग्राम में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया था शॉर्ट में, इसी तरीके से हमने इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपको ए पार्ट दिया हुआ है कि इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से आपको लिखना है, और बी पार्ट दिया है आपको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से कैसे लिखेंगे हम, तीन पहले 3 डिजिट छोड़ेंगे, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, आपको पता है 1 वाला कॉलम होता है, 1000 वाला और ये लैक वाला कॉलम होता है। तो क्या हो गया भाई, 35,63,408, आई बात समझ में। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बी के हिसाब से हम कैसे लिखेंगे, पहले 3 कॉलम छोड़ दिए, फिर 3 मतलब 3 डिजिट छोड़ के हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो ये वाला हमारा 1 वाला कॉलम होता था, ये 1000 वाला, और ये होता है हमारा मिलियन वाला कॉलम। तो हम क्या लिखेंगे, 3,563,408 आपने लिखा हुआ है, मैंने आपको सिखा रखा है किस तरीके से हम इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखते हैं चीज़ों को। ठीक है,
तो आपकी वर्कशीट पूरी हो गई, कल हम नेक्स्ट वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। आई होप आप अपना काम प्रॉपरली कर रहे होंगे। थैंक यू।